ये है प्रियंका, और प्रियंका अभी जस्ट हमारे घर में आई है कुछ दिनों पहले। यस, और बेबी को तुमको बिस्किट चाहिए? स्वीट एंड क्यूट सी लड़की है, आपको बता दूँ। इतनी स्वीट एंड क्यूट है ना, जब भी मुझे काम, मतलब मैं बोलती हूँ ना इसको, ये काम कर वो काम कर, वो काम करके बाकी के सारे काम करती है। इसको सजना सवरना वो बहुत पसंद है। बता 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 बता, तू बता हिंदी में बोलो। हाँ, मुझे बहुत सजना सवरना बहुत पसंद है। बता। बहुत पसंद है। और ये काम करती है ना? हाँ, घर के काम करती है और मुझे भी हेल्प करती है। बट अगर मैं इसको बोलू ना थोड़ी बहुत मुझे हेल्प कर दे एक्स्ट्रा कॉम में, कुछ काम की नहीं है लड़की, कुछ काम के। इसको गप्पे शप्पे लड़ाना बहुत अच्छा लगता है। बता 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 बता। हाँ, फैंसी रहना, बट यस बहुत मेहनती है ये। सो मुझे ऐसी लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे हेल्प नहीं कर रही तो कोई बात नहीं। ऐसे फालतू टाइम के लिए इसके पास वक्त है, पर दीदी को अगर कुछ काम की जरूरत होती ना, दीदी मुझे बिना ये हो गया, वही नहीं बुलाती। मीन्स भाभी वही नहीं बुलाती ना। हाँ, भाभी बुलाती है। मीन्स मराठी में वो वही नहीं बुलाती है, यानी कि नीतेश को दादा बुलाती है। शॉप में भी अभी वही काम कर रही है। काम तो अच्छा कर लेती है, बट अगर कभी कभी जल्दी होती है ना, ऐसे काम करके जाती है, ऐसे काम करके। मैं उससे बोलती हूँ, मैं तुझे क्या बोला था, अच्छी तरीके से क्लीन करना, ये बता तो। हाँ बट मुझे ना ये बहुत अच्छी लगती है। और मयूरी, मयूरी ने लगा के दिया। मयूरी कौन है? मयूरी और इसका नाता जो है भाभी और, हाँ हाँ, भाभी और सिस्टर इन लॉ, मतलब वो ननंद है इसकी। हाँ, ननंद है ये उसकी। सो दोनों की इतनी जमती। आज मयूरी बोल रही थी कि मैं भी व्लॉग में आऊँगी, और दीदी फिर बोल रही नहीं नहीं अभी मेरा इतना कुछ खास नहीं है, और ये शर्मा रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। चलो अभी मैं हेयर स्टाइल कर के दे दो। म्हणजे इकडून बरोबर आहे ना? दिसल का चांगली माझे केस तर फार डेंजर आहेत प्रियंका, कुछ काम के नाही आहे। मी अभी अगर तूने नहीं अच्छी की ना, मैं बोलूंगी प्रियंका कुछ काम के नहीं है। प्रियंका को बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स आती है, वो खुद पे भी बहुत करती है। तो मैंने इसको बोला कि ना मेरे भी हेयर स्टाइल करके दे, क्योंकि मुझे इतना घेते इतना घेल पाहिजे घेतो क्या बरे अगर म्हणजे मला माहित नाही ना, अगर म्हणजे इतना काही। तुला अजून आवरलंच नाही, घरातलेच काम करू राहिले, शूटिंगचंच काम चालू होत। त्याच्यात सगळं दिसते। हा हे मयुरी आगे, मयुरी हाय कर। हाय, अय्या बेबी, मैंने बोला था ना ये प्रियंका किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं। देखो इसने कुछ नहीं किया, उसको आया ही नहीं बनाना। खुद की देखो कितनी अच्छी बनाती है। हाँ, और मेरी देखो। एक्चुअली बोल रही है कि दीदी आपके हेयर जो है ना वो सिल्की नहीं है, है मेरे हेयर सिल्की। इस वजह से ना मैं हेयर स्टाइल के पास कभी भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार गई हूँ, किसी को मेरे हेयर की मतलब हेयर स्टाइल जो है वो नहीं करने आता है, क्योंकि मेरे हेयर जो है वो ऑलरेडी इतने हेवी है। मुझे बोल रही थी मैं कर दूँगी, ये बोलूँ मैं अभी क्या बोलूँ। पहली बार ऐसे मैं इस मोड पे ऐसे आई हूँ, तो क्या बोलूँ क्या नहीं, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा नहीं, थोड़ा डर तो लग रहा है। तो डरने की कुछ बात नहीं है, मेरी भाभी मेरे संग है। एक्चुअली वो बोल रही है कि मतलब वो कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आ रही ना, तो डर रही थी। बट इसकी हिंदी अच्छी है ना, हिंदी आती है मुझे, सब कुछ आता है। डर लग रहा है, डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई ना ये ब्लॉग में, अभी आती रहेगी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैंने इसको बोला तो बोल रही नहीं नहीं दीदी मैंने भाभी मैं नहीं आऊंगी। बट अभी मयूरी का एक ब्लॉग देखा ना इसने, तो बोल रही है कि हाँ मैं भी आऊंगी। सो हाय एवरीवन।
आज नेक्स्ट डे, कल व्लॉग जो है वो मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया। आपको बता दूं क्या हो रहा है ना, मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और मेरा वीडियो पब्लिश नहीं होते। मेरा कल संडे जो था, इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया कि मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाया, एडिट भी किया, मैंने खाना भी नहीं खाया था। और पता है रात के 1 या 2 बजे कुछ तो मेरा वीडियो पब्लिश हुआ, मतलब मैंने अपलोडिंग के लिए कब रखा था आपको बता दूँ, शायद 2 बजे, 2 बजे या 1 बजे, दोपहर, क्या दोपहर के, कल दोपहर को 1 या 2 बजे वीडियो अपलोडिंग के लिए रखा और रात के 1 या 2 बजे मेरा वीडियो जो है वो पब्लिश हुआ। यानी कि कितना टाइम इस इंटरनेट की वजह से गया। मैंने पता है नितेश के मोबाइल से, मेरे मोबाइल से और राउटर की मदद से ना, सभी की मदद से मैंने ना ये किया, क्या बोलते हैं, इंटरनेट यूज़ किया, क्या यार मुझे वर्ड भी याद नहीं आ रहा, और नहीं हो पाया। और मैं अभी आज से जैसे कि दिवाली की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर रही हूँ, और आपने कल प्रियंका से भी मिल लिया, अच्छी है, और उसको बहुत कुछ बताना पड़ता है। अरे यहाँ पे आ, बता कपड़े कपड़े पहन, ये बेबी है धनुश्री, ये सौम्यश्री, छोटी बेबी, ये छोटी बेबी की तरह एक्टिंग करते हैं। कपड़े पहनो ये तो लोग बोलेंगे बच्चे को कपड़े भी नहीं पहनाते, कैसी माँ है। एंड प्लीज़ मेरे लुक पे मत जाइएगा, क्योंकि दिवाली के काम है और मुझे मतलब मेकअप करके क्या बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहन के काम नहीं करने के, क्योंकि ऑलरेडी घर जो है वो बहुत मेसी हो जाता, गंदा हो जाता है। और मेरी दूसरी जो बेडरूम है, मैंने वहाँ पे पूरे कपड़े जो है फैला दिए हैं, और कुछ कपड़े मुझे धोने हैं, सो वो मैंने नीचे रख दिए है। तो उस बेडरूम में जब हम जाएंगे तब प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं घर जो है वो क्लीन कर रही हूँ। तो गणपति बप्पा जब आए थे तब हमने फ़ैन वगैरह जो था वो क्लीन किया था, और बाकी का वो जो कबड़ है वो भी क्लीन करना है, मीन्स नीचे का जो काउंटर होता है ब्लैक वाला, वो क्लीन करना है। और मेरे घर में, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरे घर में टॉयलेट बाथरूम जो होते हैं वो मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लीन नहीं करती हूँ ना तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है, एक दो दिन, मतलब जैसे कि आज धोया टॉयलेट बाथरूम तो कल धोते हैं, मतलब एक दिन बाथरूम तो डेली क्लीन होती है नीचे वाली, क्योंकि पानी वगैरह होता है, बच्चे हमेशा आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से। और चलिए, और हाँ क्या है ना कि मैंने बेबी आ गया, देखो बेबी की तरह एक्टिंग करते हैं, बेबी क्या, बेबी नैपिंग, बेबी को बोलना भी आता है, बेबी ऊपर देखो, आपको बोलना भी आता है, आप बातें भी करते हो, हाँ किसी दो सभी को। अभी स्वामी श्री को हम बोलेंगे, स्वामी श्री का, स्वामी श्री को बोले, ये देखो चल भी कैसा रहेगा गणेश जी, गणेश जी, स्वामी श्री, स्वामी श्री, बेबी हो जा, बेबी 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 बेबी, हाँ बेबी हो जा, बेबी बेबी की एक्टिंग, बेबी क्लैप कैसे करते, वो मुंह से निकालो, वो मुंह से निकालो पहले, स्वामी श्री आप अच्छी बेटी हो ना, प्लीज बेबी। और ये देखिए मेरा घर पूरा फैला हुआ है, और बच्चे अभी कितने बजे आए, 1 बजे आए थे, बट अभी 3 बज चुका का, ये नीचे ही थे सभी। ये देखिए यहाँ पे भी कितनी बार मैं इसको ये हमेशा अच्छी तरीके से रखते हैं, आपने अगर मुझे फॉलो किया होगा ना आपने भी देखा होगा, बट इतने सारे डिब्बे, इतना सारा आता है ना कि मैं ही ये हो। ये देखिए हमारे पति, थैंक यू, ये हमेशा मुझे सर करते हैं प्यार से, लाइट तो लगा ना, अरे ब्लैक ब्लैक ही शो हो रहा है, अरे ब्लैक ब्लैक, हाँ अभी आ गया। आपको पता है कल का व्लॉग सभी ने बहुत पसंद किया, सभी कह रहे हैं कि अरे ये हो गया तो मैंने, सभी कह रहे हैं कि जीजू का ऐसे मत बोलो, वीडियो का टाइटल ऐसा नाम क्यों दिया, शादी करके बर्बाद हो गए, हमें किसी भी एंगल से नहीं लगता है।
और लोग है ना बहुत एंजॉय करे उस व्लॉग को. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाँ, और ये ना इन दोनों क्या हो रहा था ना, यहाँ पे आ जाओ ना आप. यहाँ पे इन दोनों क्या हो रहा था ना कि मैं थोड़ी सी उदास हो गई थी. ओके सो हाँ, मैं वही बता रही थी कि मैं इन दोनों थोड़ी सी टेंशन में थी. क्या होता है ना कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, तो ये मुझे बोल रही थी अभी इन दिनों, है ना. कितने दिनों से मेरे ब्लॉग में भी टेंशन हुई थी, दो तीन ब्लॉग में इनको दिखाई दिया. मतलब मुझे लगा था ये मेरे ब्लॉग नहीं देखते हैं, बट ये देख रहे थे. उन्होंने मुझे कहा पहले कैसे तुम हंसती खेलती थी, तो वैसे वाले ब्लॉग बनाया करो, नहीं तो क्या होता है ना, मतलब सामने वाले को देखने में भी मतलब ये हो जाता है कि अरे इसको कुछ ना कुछ टेंशन है. हाँ वही. तो इस वजह से ना अभी मैं टेंशन फ्री होके जो है वो ब्लॉग बनाने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. जैसे कि मैंने आपके साथ कल ही शेयर किया था ना मेरा सिल्वर प्ले बटन का, थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि नहीं मिल रहा है. सो थोड़ा सा वो मुझे टेंशन था. वो भी आ जाएगा अभी. वैसे अपन आपके काम में से टेंशन नहीं दिखेगा, आप फ्रीली वैसे करेंगे. अभी इतने इतने सब्सक्राइबर्स तो है, वो भी हो जाएगा ना. नहीं 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 नहीं, वो बात है, सब्सक्राइबर है, सब कुछ है. इवन मैं आपको बता दूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसों की प्रॉब्लम है, सच्ची में बोलती हूँ, ना पैसों की प्रॉब्लम है, ना मुझे किसी स्पॉन्सरशिप की प्रॉब्लम है, ना व्यूज़ की प्रॉब्लम है. बट एक होता है कि आपको एक अवार्ड मिलता है ना, जो यूट्यूब की तरफ से, सब यूट्यूबर के घर में, तो थोड़ा सा वो बुरा लगता है मुझे. और ऐसा नहीं कि मैंने एक साल हुआ, ऑलमोस्ट अभी 3 साल होने को आ गया है. सो इस वजह से थोड़ा सा बुरा हो लगता है कि यार हम इतना मेहनत करते और कुछ नहीं, मतलब ये होता है. सो एनीवे, जब होगा सो होगा. तो मैंने अभी टेंशन छोड़ दी है सिल्वर प्ले बटन की, क्योंकि नितेश मुझे बहुत समझाया, बहुत समझाया. मैं इतना ज़्यादा दिखाती नहीं वो टेंशन, बट फिर भी यार एक लगता है ना, तभी मैंने वो टेंशन जो है वो छोड़ दिया है. और ऐसे हंसते खिलखिलाते और कभी कभी विदाउट मेकअप, कभी कभी फुल मेकअप, कभी कभी बकवास मेकअप के थ्रू मैं आपको मिलने के लिए आने वाली हूँ. और चलिए अभी खाना खाते हैं. नितेश जी इतने प्यार तरीके से मुझे सर्व किया है, तो मेरा भी फर्ज है वो खाने का. यस नितेश बहुत करते हैं, बहुत करते हैं. जैसे कि आप सभी को पता है, मैं देखो कितनी तारीफ करती हूँ, हमेशा तारीफ करती हूँ आपकी. ये देखो, ये बेबी बेबी. सो चलिए खाना खाते हैं और उसके बाद मैं काम करने वाली हूँ. सो प्लीज़ आज मेरे इस लुक पे मत जाइएगा. मैंने आज बाल नहीं धोए, कल भी नहीं धोए थे, क्योंकि बाल जो है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, बट मुझे घर क्लीन करना है, तो इस वजह से वैसे रहने दो. कल या परसों में धोने वाली हूँ. किसी को नहीं है ना, किसी को लो. ऑल गुड गर्ल. मुझे मुझे बेबी. चलो अभी खाना खाते. ओके सो देखिए, इतने सारे क्लोथ्स है और ये तो बस ट्रेलर है आपको. मतलब और भी मेरे कपड़े जो है वो हमने ऊपर रखे हुए हैं, जैसे कि ये वाले कबड़ से, ये कबड़ में मेरे क्लोथ्स है और वहाँ का कबड़ है उसमें मेरे कपड़े है. मतलब मेरा जो बेडरूम है हम दोनों का, वहाँ पे कबड़ कपड़े है मेरे. और ये बहुत सारे क्लोथ्स है, बहुत सारे क्लोथ्स है. इसमें से बहुत सारे मेरे फेवरेट ड्रेसेस है. पता नहीं अगर मैं गिनने बैठूंगी ना, यहाँ पे है, बेड पे है मेरे क्लोथ, और उस कबड़ में भी है कुछ थोड़े बहुत. तो अब सोच नहीं सकते इतने सारे कपड़े हैं. मैंने बहुत सारे क्लोथ जो है वो मेरी सिस्टर को दे दिए, मेरे मम्मी को, फिर उसके बाद मेरे पास एक हाउस हेल्पर थी उसको भी दे दिए थे. क्या करूँ मैं सीरियसली निदेश, तो इतना मतलब भी ये हो चुके हैं ना. और मेरे को बहुत से सारे क्लोथ जो है, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे खुद के भी क्लोथ बहुत सारे थे, बट जैसे कि मैं यूट्यूब पे आई तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला. और यू नो, एक चैनल का लेवल होता है, तो एक लेवल मीन्स ये नहीं बोल सकते कि किसी का चैनल ख़राब वगैरह है, सभी के चैनल अच्छे होते हैं. बट एक लेवल तक अगर आप आ जाते हो ना, कि स्पॉन्सरशिप जो होती है उनको लगता है कि आपका चैनल
बहुत अच्छा है। उसके बाद वो जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सेंड करते हैं। इवन मैं आपको बता दूँ, मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया है, मेरे सिस्टर का फोन आया था। ओके सो मैं आपको वही बता रही थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं फेसबुक साढ़े तीन साल पहले मैं फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, तब ना शेन की एडवर्टाइज आती थी, आप सभी को पता है, आती है अभी भी आती है स्पॉन्सर, जैसे कि शॉप नाउ, मतलब आप फेसबुक पे होते तो एडवर्टाइज आती है, शेन की आती है, मामा अर्थ की आती है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट की आती है। तो वो जो वेबसाइट होती है या फिर वो कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए वहाँ पे एडवर्टाइज देती है, तो उनका उस वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाता है। तो उस टाइम मैं देखती थी शीन के क्लोथ्स और मैं सोचती थी ना मुझे ये कपड़े लेने हैं। तो मैं रिजिस्टर को बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैंने शॉप डॉप भी करके एक हद दो बार शीन के कपड़े किए थे और फिर उसके बाद रिटर्न भी आए थे, मतलब मैंने वो परचेस नहीं किए थे। तो मैं बहुत बार बोलती थी रिजिश को मुझे ये ड्रेसेस चाहिए, तो रिजिश बोलती थी ले लेना इतना क्या, मैं बोलती थी नहीं यार ये ऑनलाइन कैसा होगा, क्या होगा, धोखाधड़ी हो सकती है, पता नहीं ये वो ये। तो मैंने कभी परचेस नहीं किए थे उस टाइम। देन उसके बाद मेरा जब यूट्यूब चैनल चल पड़ा और एक डेढ़ साल हो चुका था और मुझे एक दिन ईमेल आया था कि शीन की तरफ से कि हम ऐसे ऐसे हैं तो आप हमारे क्लोथ को प्रमोट करेंगे क्या। आपको बता दूँ वो दिन मेरे लिए इतना हैप्पी वाला था, मैं इतने उछल के कूद रही थी अपने घर में, मतलब बेपरचेस कर सकती हूँ बट फिर भी मतलब जिस चीज़ को मैं पाना चाहती थी, मतलब मैं अपने पैसे, मतलब मुझे परचेस करना था बट मैं कभी नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था। और मैं बहुत सारे कपड़े मैंने वहाँ पे देखे थे, बहुत सारे, इतनी बार देख चुकी हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ। और वहाँ से अगर आपको स्पॉन्सरशिप की अगर ईमेल आती तो भाई, तो यू नो मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, मैंने बहुत मेहनत की है अपने दम पे, मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया है, जो मुझे लोग जानते हैं उनको ही पता है। और चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, और इवन हमारा ऑनलाइन बिजनेस जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मीन्स मुझे ऐसा लगता है ना कि पता नहीं, मतलब पहले मेरे पास कुछ नहीं था, जब शादी होने के बाद कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया था, तो उसके बाद जो मैंने स्ट्रगल किया अपने शॉप को ऊपर लाया, ये किया, तो उस टाइम मुझे ऐसे लगता था कि यार भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और जब मैं अभी देखती हूँ पीछे मुड़ के कि हाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मेहनत की है इस चीज़ पे, और उसका फल जो है वो भगवान मुझे दे रहा है। और मैं ध्यान में रखिएगा, मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि भाई कभी भी किसी से कुछ भी चीज़ मत छीनेगा, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, चाहे छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, यू नो प्यार से रहिएगा। मैंने ऐसा देखा है ना यहाँ पे कि छोटा भाई है तो उसको फंसा लेना, उसकी मीठी मीठी बातें करके उसकी साइन लेके फिर उसके बाद इस्तेमाल ठड़प लेना, मैं ये नहीं अपने आँखों से देखा है यहाँ पे। तो जो मेरे साथ बीता है वो मैं कभी नहीं शेयर करती हूँ, बट फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके अपना जो छोटू सा लाइफ जो है वो क्रिएट किया है। और यू नो मतलब मेरे पास अभी ये जो सारे क्लोथ है, सारे ब्रांडेड क्लोथ है, मोस्टली सारे ब्रांडेड क्लोथ है। और यू नो मुझे कभी कभी ये लगता है ना कि मैं कभी कभी ये जो चीज़ें मैं मांगती हूँ ना, भगवान मतलब पता नहीं मुझे देता है, बट यस ऐसा नहीं कि फ्री में दे, मतलब फ्री में मीन्स ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्टली देता है, बहुत मेहनत। आपने भी देखा होगा, अगर आप लोग मुझे 3 साल से देख रहे होंगे ना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ यूट्यूब पे और जितना हो सकता है उतनी कोशिश करती हूँ अच्छा कंटेंट बनाने की, बट भगवान के ऊपर भी होता है। सो चलिए मुझे ऐसे लगता है ना इस व्लॉग को हमें यही एंड करना चाहिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि क्या श्रेता। तो चलिए अभी मैं अपना कपड़ जो है वो क्लीन करती हूँ, क्लीन करने के बाद क्लिप जो है उसकी ऐड कर देती हूँ। ओके सो बाय।